Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another game play video. तो guys यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा, लेस्टर ने मुझे बोला है कि मुझे एक बहुत तगड़ी टीम रेडी करनी है जो कि डगन की पूरी आर्मी को खत्म कर दे. ये काम अगर अपना हो गया ना तो फिर सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी. और हमेशा अपने साथ ऐसा ही होता है, पहले में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फिर उससे बाहर निकलने के लिए उससे भी बड़ा रिस्क लेना पड़ता है. और आज भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि यार ये जो अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड है ये कह रहा है कि अब इसे लॉस सैंटोस पे कब्जा चाहिए. पूरी लिबर्टी पे तो इसका राज चल ही रहा है, पर ये कह रहा है कि उसे लॉस सैंटोस भी अपने नाम करना है. और उसके लिए हमें डगन बॉस को मारना होगा. पर ये कह रहा है कि डगन बॉस को यू नॉर्मली मारना इम्पॉसिबल है, उसे कोई नहीं मार सकता, उसके पास इतनी ज़्यादा फोर्स, इतनी ज़्यादा पावर है. तो हमें इसे ना धीरे धीरे करके कमजोर करना होगा. तो पहली चीज़ जो उसके पास सबसे ज़्यादा पावर, उसके पास उसके पाँच ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम लोग एक एक करके तोड़ लेंगे, आप उसे छीन लेंगे ना, तो वो खत्म हो जाएगा. सबसे पहली चीज़ उसके जितने भी डिफेंस हैं वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. दूसरी चीज़ उसके जितने भी टेररिस्ट हैं उन्हें खत्म करना होगा. तीसरी चीज़ उसके पास बहुत सारा पैसा है, पैसे से वो कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी ले सकता है. चौथी चीज उसकी सारी सीक्रेट क्लास. तो आज इसने हमें वैसे पांच चीजें, और पांचवी चीज बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो इसने भी हमें खुद नहीं बताई है. तो गाइस देखो, अभी ना ये हमें कह रहा है कि अगर हम लोग इसके लिए काम करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये हमें मरवा देगा. तो इसका मतलब इसकी अच्छी खासी बातचीत है, और अभी हमें इसके लिए काम करना ही होगा. पर हाँ, अपना एक फायदा भी है, अगर हम लोग ऐसे धीरे धीरे करके पहले डगन बॉस को कमजोर कर देंगे, उसके सारे सीक्रेट वेपन्स कब जाके, उसकी सीक्रेट कार्स लेके, उसके जितने बॉडी गार्ड्स हैं उनको मार के, फिर उसके बाद डगन बॉस को मारना इजी हो जाएगा, और उसके बाद अपना काम भी इजी हो जाएगा. तो फिलहाल ये लोग मुझे अभी एक सीक्रेट जगह पे ले जाने वाले हैं. प्लान इन्होंने मुझे पूरा का पूरा बता दिया कि हमें आज अभी के अभी क्या करना है. तो एक गाड़ी है डगन बॉस की जो कि लिबर्टी सिटी में है, और वो किसी दूसरी कंट्री से वहाँ पर आई है, और वो गाड़ी हमें वहाँ से चुरा के लानी है. और उस गाड़ी को चुराने के लिए हमें उसके जो सीक्रेट पासवर्ड्स हैं जिस जगह पर वो गाड़ी रखी हुई है वो पता करने होंगे. और वो सीक्रेट पासवर्ड अपने लॉस सैंटोस के एक सीक्रेट बेस में रखे हुए हैं. मतलब क्या, इतनी ज़्यादा चीज़ें छुपाई जा रही है, हमें बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो गया ऐसी ऐसी चीज़ें. इतने बड़े प्लानिंग के साथ डगन बॉस बैठा हुआ है इस लॉस सैंटोस को कब्जा के. तो हाँ, सिंपल सा प्लान ये है कि पहले उसके लॉस सैंटोस वाले सीक्रेट बेस में जाके हमें वहाँ का पूरी लोकेशन पता करनी है कहाँ पर गाड़ी है, फिर लिबर्टी जाके वो गाड़ी चुरानी है. पता नहीं यार क्या होगा, इतना ज़्यादा डेंजरस उस गाड़ी में. जो काम करवाने के लिए इसने हमें वापस से अपना दोस्त बनवा लिया भाई, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है मेरे को बिल्कुल. फिलहाल अभी ये लोग मुझे कहाँ पे लेके जाने वाले हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है. तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल अपने लिबर्टी सिटी वाले फ्रेंड्स ने अपने सभी बॉडीगार्ड्स को वापस भेज दिया है, और इसने हमारे लिए बढ़िया बढ़िया गन्स का भी जुगाड़ करवा दिया है. और सबसे बड़ी सरप्राइज वाली बात तो ये है कि अभी ना ये हमारे साथ जाने वाला है उस जगह पे जहां पर से हमें डगन बॉस का सारा पैसा चुराना है, और उसकी सबसे जो मेन कार है वो चोरी करनी है. तो इन लोगों ने मेरे जो कपड़े थे वो भी प्रिजन से ले लिए हैं, जो कि मैंने यहां पर चेंज कर लिए हैं, और हमारे लिए एक पुलिस की न्यू कार का जुगाड़ भी करवा दिया है. फिलहाल हाँ, अभी बातें बिल्कुल नहीं कर रही, मुझे उस जगह पे पहुंचना होगा जहां पर टेररिस्ट का, मीन्स डगन बॉस का, टेररिस्ट वाला लॉस सैंटोस का सीक्रेट बेस है. मतलब यार डगन बॉस काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, और ये जो बंदा है भाई, इसके साथ मिलके हम लोग डगन बॉस की बैंड बजाने वाले हैं. फिलहाल हाँ, इसने मुझे यही जगह की लोकेशन दी है. और एक आप लोगों को याद होगा, काफी टाइम पहले हम लोग एक आर्ट गैलरी में गए थे जहाँ पर काफी ज्यादा महंगी महंगी पेंटिंग्स है, लेकिन उस आर्ट गैलरी से हमने पूरा उसे एक्सप्लोर करा था, पर हमने नोटिस नहीं करा कि उसके अंदर एक बहुत तगड़ी बेसमेंट है, और वही उसका सीक्रेट बेस है. तो अभी हम लोग उसी जगह पर पहुंचने वाले हैं, पर उस सीक्रेट बेस की एंट्री जो है ना वो इसको अच्छे से मालूम है. तो जैसा जैसा ये बोलता जा रहा है ना मुझे वैसे वैसे करना है. तो अभी हम लोग उस आर्ट गैलरी में पहुंच चुके हैं, मुझे अपनी गाड़ी को ना गाइस आगे से लेकर जाना है. वहीं कहीं से कोई रास्ता है जहां पर हम लोग इसके साथ जाने वाले हैं. इसने मुझे पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया है, और इसको हम पे विश्वास है कि हम लोग ये काम एकदम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं. तो मुझे इसी गली में जाना है, पर हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं. सामने की तरफ में ना दो शटर है, वहीं से वेट भाई साहब, यहाँ पर एक टेररिस्ट जा रहा है, मुझे पीछे होना पड़ेगा भाई. वो देखो, मतलब क्या यार ये एरिया इन्होंने पूरा कब्जा रखा है, और अपना चुपचाप यहाँ से घूम रहे. सही है कि उसने हमारी गाड़ी पे शक नहीं करा, वरना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती. मैं सबसे पहले काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना साइड ही खड़े कर देता हूँ. भाई
ये जो यूनिवर्सिटी वाला फ्रेंड है ना, ये बाकी गैंगस्टर्स या बाकी माफिया की तरह नहीं है जो कि बस घर बैठ के ऑर्डर देते हैं कि अब तुम सीधा एयरपोर्ट ही चले जाओ क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, 8 बजे की फ्लाइट ही है, उस टाइम 6:30 बज रहे हैं। अगर एक बार को लोग जल्दी पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर लेट पहुंच जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जिस फ्लाइट से हम लोग जा रहे हैं ना, पहली बात तो ये फ्लाइट पहुंचाने में भी काफी ज्यादा टाइम लगाएगी, क्योंकि इसे हम लोग नहीं उड़ाने वाले, इसका दूसरा पायलट है, उसमें काफी सारे पैसेंजर्स भी होंगे, तो टाइम से जाएंगे टाइम से पहुंचेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो फ्लाइट हमारे लिए वेट नहीं करेगी अगर हम लोग बाय चांस लेट हो जाते हैं, क्योंकि फटाफट से पहुंचते हैं सीधा एयरपोर्ट पे। बाकी ये जो बैग वगैरह है और वहां पर कौन क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है वो सब कुछ लेस्टर ने इंतजाम करा है। एक टाइप से हमारी VIP एंट्री है, तो हमारी कुछ चेकिंग वगैरह नहीं होगी वहां पर ज्यादा। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो फटाफट से हम लोग चलते हैं सीधा अपने प्लेन में और उसमें बैठकर निकल लेते हैं कायो पेरिको आइलैंड में लेस्टर को बचाने के लिए। आज कुछ भी हो जाए उसको बचा के हम लोग रहेंगे। बट वेट एक सेकेंड, हेलो, सामने प्लेन जा रहा है वो तो ठीक है, शायद अपना ही प्लेन होगा, बट मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर क्यों जा रहा हूँ? मेरे पास टिकट है, मुझे नॉर्मली टर्मिनल से जाना चाहिए बाकी लोगों की तरह, वरना गड़बड़ हो जाएगी, सब लोग मेरे ऊपर शक करने लग जाएंगे कि वही पुराना माइकल वापस आ गया। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी की हेडलाइट बंद करते हैं। मैंने अपनी बाइक को भी गलत जगह पे पार्क कर दिया भाई, सब लोग मुझे घूरने लग गए हैं क्योंकि इतनी बड़ी एयरपोर्ट की पार्किंग सामने बनी पड़ी है, फिर भी मैंने बाहर इलाके बाइक खड़ी कर दी। खैर छोड़ो, अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं ऊपर। अपनी बाइक थोड़ी यार, कोई पुलिस वाला अगर उठा कर ले जाएगा तो बढ़िया है, वो उस बंदे को ले जाकर ही देगा जिसके हम चुरा के लाए थे। लेट्स गो भाई साहब। यहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं मस्त गन्स लेके, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे बैग में भी गन्स है, वो मुझे चलानी नहीं है। लेकिन आए सारे के सारे पैसेंजर्स बहुत देर से वेट कर रहे थे प्लेन में बैठे बैठे, बट फाइनली पूरे के पूरे आधे घंटे बाद पायलट भी आ चुका है प्लेन में। फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई है भाई अपनी, बट टाइम आ चुका है यहाँ से टेक ऑफ करके कायो पेरिको आइलैंड निकलने का। वैसे मैं सोच रहा था कि यार कोई बहुत बड़ी फ्लाइट होगी, आखिर लेस्टर इतना ज्यादा प्रेशर पता नहीं क्यों बना रहा था हम पे, ये एक नॉर्मल सा फ्लाइट है, बट सीन कुछ ऐसा है ना, बड़ी फ्लाइट इसलिए नहीं है क्योंकि कायो पेरिको आइलैंड की जो एयरलाइन है ना, खैर वो तो बहुत ज्यादा बड़ी है, बट उसके अगल बगल जो ट्रीज है ना उसमें बड़े प्लेन के जो विंग्स है ना वो भिड़ सकते हैं, इसलिए वहाँ पे बड़े प्लेन को ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पता नहीं कैसे फ्रैंकलिन कार्गो प्लेन लेकर आ गया था, उसने लैंड भी करा दिया था। खैर छोड़ो, फाइनली हम लोग टेक ऑफ कर चुके हैं, बाय बाय लॉस सैंटोस, अभी हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं सीधा कायो पेरिको आइलैंड। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कायो पेरिको आइलैंड, सुबह के 10 बज रहे हैं, लैंडिंग का टाइम आ चुका है, और भाई कसम से भले अपनी फ्लाइट पूरी देर से हो बट पहुंचाया एकदम टाइम पे इस पायलट ने, और क्या ही बढ़िया तरीके से जेट उड़ा के लाया है, और क्या मस्त लैंडिंग करवाई एकदम सेंटर में, दोनों तरफ पूरा बराबर गैप है, यही खास बात होती है एक पायलट की। लेट्स गो, सामने कुछ यार कुछ नहीं, बहुत सारी तगड़ी तगड़ी कार्स खड़ी हुई हैं और हर कार का कलर ब्लैक है, काफी ज्यादा खतरनाक ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई माफिया आने वाला हो। बट वेट, लेस्टर ने कहा था अपनी VIP एंट्री होने वाली है, तो क्या वो VIP एंट्री हमारे लिए ही है? गाइस यस, हम लोग बिल्कुल सही थे, ये जो VIP एंट्री है ये हमारे लिए ही है, मतलब कि इतने सारे जो बॉडी गार्ड्स लेकर आए हो ना, फुल तगड़ी तगड़ी कार्स लेकर, ये सारे के सारे हमारे लिए आए हैं। फिलहाल जल्दी से चल के मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। भाई साहब कितनी ज्यादा तगड़ी जी वैगन अपने लिए यहाँ पर आ रखी है, लेट्स गो। भाई साहब मजे हो तो ऐसे हो वरना ना हो, मतलब कि क्या ही माफिया वाली एंट्री करवाई है लेस्टर ने यहाँ पर अपनी। अब जो कोई बंदा भी हमें देखेगा ना उसको बेचारे को देख के डर लग जाएगा कि सही में कोई बहुत ज्यादा अमीर बंदा यहाँ पर आया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हमने जानबूझ के दिखावे के लिए करा है ताकि एलरूबियो डगन बॉस को तो शक ना ही हो, साथ ही उनके जो बॉडी गार्ड्स है ना उनको भी बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर माइकल आया है। फिलहाल चारों तरफ भाई साहब इनके बंदे ना फैले हुए हैं, कहीं इधर घास में, कहीं कोई उस वेयर हाउस में है, कोई टावर पे है, पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल मैं गाड़ी से बाहर आ गया हूँ, चल कर ना यहाँ के स्टाफ मेंबर से बात करते हैं कि आखिरकार मुझे आज रात के लिए यहाँ पे कहाँ स्टे करना है। ओके, तो अभी मेरी इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि सर आप पहले लेफ्ट में जाके आराम से ड्रिंक वगैरह कर लो, सामने जितने भी बंगलोस है ना उसमें से 16 नंबर बंगलो हमारा है, मतलब कि आज हम लोग वहां पे जाके रहने वाले हैं। लगता है कि आज शाम को यहाँ पे बहुत मस्त पार्टी होने वाली है क्योंकि फुल लाइट्स स्मोक का सेटअप हो चुका है। फिलहाल अभी हमें कोई पार्टी वगैरह नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही पार्टी होती रहती होगी, लोग एंजॉय करने आते हैं, बट हम लोग यहाँ पे मिशन करने आए हैं ट्रैवर को रेस्क्यू करवाने का, तो हमें उस पर फोकस करना है, तो मुझे सबसे पहले ना अपना बंगलो ढूंढना पड़ेगा कौन सा है। और देखो गाइस
ये बिजनेस करता है एल रूबियो। जो सामने से इतनी बड़ी बोट आ रही है ना, इस पूरी की पूरी बोट में स्मगलर्स भरे होंगे और ये लोग पक्का ड्रग्स भर के ले जा रहे हैं किसी और कंट्री में। भाई साहब तभी वो इतना ज़्यादा अमीर है, इतना बड़ा आइलैंड उसके पास है ये उल्टे सीधे काम करके। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन सब का नतीजा उसे मिलेगा। फिलहाल अभी जल्दी से ना हम लोग चल के थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं, उसके बाद आराम से सोएंगे क्योंकि लेस्टर ने साफ बोला है हमें शाम को मेरे को सीधा कॉल करेगा और फिर हम मेरे को पूरा प्लान बताएगा कि किस तरीके से मेरे को एल रूबियो तक पहुंचना है और ट्रैवर का पता लगा के एल रूबियो को मार देना है। ओके, तो अभी फिलहाल थोड़ी बहुत कोक पेप्सी वगैरह भी पी लिया है यहाँ पर, मस्त इंजॉय भी कर लिया है, लेकिन अभी टाइम आ चुका है अपने मिशन पे जाने का। बहुत हो गया डांस वगैरह, फटाफट से अपनी ड्रिंक खत्म करते हैं और जल्दी से हम लोग चलते हैं। लेस्टर ने हमें बोला है कि सबसे पहले ना हमें एक बोट का जुगाड़ करना है। ओके गाइस, बाय बाय, पहले ना मैं इस एरिया से निकल लेता हूँ। हाँ, तो लेस्टर ने हमें बोला है कि सबसे पहले ना हमें एक मस्त बोट का जुगाड़ करना है क्योंकि पानी के थ्रू ना लेस्टर को एक ऐसा रास्ता मालूम है जहां से हम लोग एल रूबियो के मेंशन में डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी चेकअप। तो मुझे फटाफट से कोई ना कोई तो बोट ढूंढनी ही होगी। बाकी यार देखो, मुझे ना कायोपेरिको आइलैंड का चप्पा चप्पा मालूम है, इसलिए मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर बोट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मींस लेफ्ट साइड में ना, लेफ्ट साइड में क्या, पीछे वाली साइड पे भी इनका एक टर्मिनल है जहाँ पर इनकी बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती है। तो वो देखो, वो सामने टर्मिनल पूरा नजर आ रहा है। अब बस अगर हमें वहां पर बोट मिल जाएगी ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं 1.5 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे नहीं हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे फटाफट से दबा दो। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो मुझे भी वहां पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ओके गाइस, आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।